डिस्क ब्रेक्स पर यह छेद क्यों होते हैं और प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं, और क्या आप जानते हैं कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी भी तिरंगा क्यों नहीं लगवाया। मिलेंगे सभी सवालों के जवाब, बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के एक प्रोफेसर ने ग्राफ्टिंग तकनीकी का उपयोग करके एक ऐसा पेड़ उगाया है जिसमें एक या फिर दो नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरह के फल उगते हैं, और इस पेड़ का नाम ट्री ऑफ 40 रखा गया है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आपको जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि कुओक का एक ऐसा जानवर है जिसे इंसानों का कोई भी डर नहीं है, और इसके चेहरे पर हमेशा कभी ना खत्म होने वाली हंसी बनी रहती है। इसे दुनिया का सबसे खुश रहने वाला जानवर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले सुबह जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे स्टील या फिर लोहे की प्लेट पर रखकर इसमें कीले फंसा दिए जाते थे, और जैसे ही मोमबत्ती पिघलकर कीले तक पहुंचती थी, कीले अपने आप ही स्टील के प्लेट पर गिर जाते थे, और कीले के गिरने से उत्पन्न होने वाली आवाज ही एक अलार्म का काम करती थी। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों हर कोई पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा करने का सबसे ज्यादा श्रेय पेड़ पौधों को देता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी की 50% से भी ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों में पाए जाने वाले प्लैंकटन से आती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर किसी भी डूबते हुए इंसान को बचाना गैरकानूनी माना जाता है। जी हाँ, दरअसल चीन में एक मान्यता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह उसके भाग्य में लिखा है, और किसी भी इंसान के भाग्य को बदला नहीं जा सकता, और इसी मान्यता की वजह से चीन में यह अजीब कानून बनाया गया है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपको शायद यह मालूम नहीं होगा, लेकिन मिस्टर बीन, जो कि दुनिया के सबसे महान कॉमेडियन में से एक माने जाते हैं, उन्हें पहले बहुत से टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी थी, और वो शब्दों को ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे, पर कहीं भी ना सुनने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज वो दुनिया के महान कलाकारों में से एक हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि मिसोफोनिया यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को मामूली आवाजें सुनने से गुस्सा आ जाता है, जैसे कि इन लोगों के सामने अगर कोई जोर से सांस लेता है या फिर खाने को चबा चबा कर खाता है तो इससे होने वाली आवाज से इन्हें गुस्सा आ जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसने अभी तक सूर्य की एक परिक्रमा भी पूरी तरह से नहीं की है, यानी कि इस ग्रह पर अभी तक एक साल पूरा हुआ ही नहीं है। इस ग्रह को 1930 में खोजा गया था, और अभी तक इस ग्रह ने सूर्य की केवल एक तिहाई परिक्रमा ही पूरी की है, और यह ग्रह लगभग 2178 में अपनी एक परिक्रमा पूरी करेगा। तो इस हिसाब से पृथ्वी पर 248 साल इस ग्रह पर एक साल के बराबर है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपको शायद यह मालूम नहीं होगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी दुनिया भर में एकमात्र ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने मात्र 0.08 सेकंड में सबसे तेज स्टंप आउट करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि हमारी पलकों को झपकाने में 0.10 सेकंड का समय लगता है, मतलब कि किसी के एक पलक झपकाने से पहले ही स्टंप आउट। वाओ, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि आखिर रात में जानवरों की आंखें क्यों चमकती हैं? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। दरअसल जानवरों की आंखों के रेटिना के पीछे टेपिटम लुसिडम नाम के एक पदार्थ की परत होती है जो कि प्रकाश को परिवर्तित करने का काम करती है, और इस परत की वजह से ही जानवर कम रोशनी में भी अच्छी तरह से देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी किताब जो है वह कोडेक्स लिसेस्टर है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए है। यह पुस्तक लियोनार्डो दा विंची द्वारा एक हस्तलिखित पांडुलिपि है जिसमें कुल 72 पेज हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लगभग 200 करोड़ की बजट में बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद मेकर्स ने इसके लिए अक्षय कुमार को दोषी ठहराया है, और फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा
कि अक्षय कुमार का पान मसाला ऐड को लेकर विवाद और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर दिए बयानों से दर्शक नाराज थे और इसी कारण लोगों ने उनकी फिल्म को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया और सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया और इसका कारण ये है कि धोनी को विकेट कीपिंग करते समय अपने हेलमेट को नीचे जमीन पर रखना पड़ता था और राष्ट्रीय ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता और जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान ना हो इसी वजह से धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया। फैक्ट नंबर 2, प्याज काटने पर आंखों में आंसू क्यों आते हैं। दरअसल प्याज में साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नामक एक रसायन पाया जाता है जो कि प्याज काटते समय हमारी आंखों की लेक्राइमल ग्लैंड को उत्तेजित करता है और इसी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, डिस्क ब्रेक्स पर यह छेद क्यों होते हैं। दरअसल दोस्तों पहले के समय में डिस्क ब्रेक्स पर कोई भी छेद नहीं हुआ करते थे और जब भी वाहन रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता था तब यह प्लेट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती थी जिससे कि अगर कोई व्यक्ति इसे छूता तो उसका हाथ तक जल जाता था और कई बार ज़्यादा गर्म होने की वजह से ब्रेक्स काम भी नहीं कर पाते थे। उसके बाद पतले डिस्क ब्रेक्स बनाए गए लेकिन ज़्यादा समय तक ब्रेक का इस्तेमाल होने की वजह से वह पिघल कर गाड़ी से अलग हो जाते थे। उसके बाद इन ब्रेक्स पर छोटे छोटे छेद किए गए ताकि इसमें से हवा आर पार हो सके और यह गर्म भी ना हो और ब्रेक ज़्यादा समय तक चल सकें और यही वो कारण है जिसकी वजह से डिस्क ब्रेक्स पर छेद होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें।